तो प्रोटेक्शन को यूज करते हुए मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये कलर्ड एरिया है ये प्रोटेक्शन से बाहर हो जाए, जो कलर्ड एरिया है वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाए और रेस्ट ऑफ द कलर जो एरिया है वो प्रोटेक्ट है। मतलब कि मैं यहां पे कुछ भी टाइप ना कर सकूं जबकि इस एरिया में टाइप कर सकूं पासवर्ड डालने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो हमने किया हम कहीं भी कुछ टाइप नहीं कर सकते, बट यहां मुझे एक पर्टिकुलर एरिया पे टाइप करना है। तो क्या होता है कि जब भी हम सीट प्रोटेक्ट करते हैं तो यहां क्लियरली मेंशन है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, जो पासवर्ड है वो सिर्फ लॉक्ड सेल पे अप्लाई होगा। अब लॉक सेल अनलॉक सेल क्या होता है चलिए जानते हैं। किसी भी सेल की ऊपर राइट क्लिक करके अगर आप फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और उसके सबसे लास्ट टैब देखेंगे प्रोटेक्शन, इस प्रोटेक्शन वाले टैब पे बाय डिफॉल्ट आपका लॉक्ड क्लिक होता है। अगर मैंने इस लॉक को अनचेक कर दिया तो इस सेल की प्रॉपर्टी अनलॉक्ड हो जाएगी। तो डिफॉल्ट लॉक पे क्लिक होता है, इसलिए हर सेल डिफॉल्ट हमारा लॉक होता है। जैसे इसको आपने अनचेक किया ये हमारा अनलॉक हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस ये जो हमारा कलर्ड एरिया है इसको हमने फॉर्मेट सेल में गए और इसको अनचेक कर दिया। मतलब कि पूरी की पूरी शीट हमारी लॉक्ड है बट हमारा अनलॉक्ड है। उसके बाद हम इस पे पासवर्ड अप्लाई करें, क्योंकि यहां भी क्लियरली यहां पे सिलेक्टेड है कि भाई सिर्फ लॉक सेल को ही प्रोटेक्ट करना है अनलॉक सेल को नहीं। तो होगा क्या कि मैं यहां पे कुछ भी टाइप करूंगा तो टाइप नहीं होगा, बट मैं यहां टाइप कर सकता हूं।